और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। जमा कराने के लिए कहा गया, सैकड़ों कर्मचारियों ने उस समय आपके चेक भी जमा करा दिए, लेकिन उसके बाद भी पेंशन नहीं दी और सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर चली। और जब सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला कर्मचारियों के पक्ष में दिया और ये कहा कि इनको ओल्ड पेंशन दी जानी चाहिए। अब जब ओल्ड पेंशन देने की बात आ गई तो फिर वापस राज्य सरकार इसको टाले कैसे, इस बात को ध्यान में रखकर के फिर से हाईकोर्ट में एक मुद्दे को लेकर के आ गई और हाईकोर्ट ने वहां फिर ऐसा फैसला दिया कि फिर कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट में अभी भी केस लड़ना पड़ रहा है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पश्चात भी इस तरह का फैसला आना एक बड़े हास्यास्पद बात कही जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री महोदय ने जब पिछली बार सारे कर्मचारियों को पेंशन देने की बात कर दी और आज आपके बहुत से कर्मचारी पेंशन पाने लगे भी हैं, तो भी ऐसे में जो ये कर्मचारी जो अब रिटायर हो रहे हैं उनको आनुपातिक हिस्सा पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहा है और 3800 कर्मचारी आपके रिटायर भी हो गए उसके बावजूद भी उनको पेंशन नहीं मिल रही, कुछ देवलोक भी चले गए। लेकिन हमारी खास तौर से मुख्यमंत्री महोदय से एक ही मांग है कि वो इसको बिल्कुल सभी पुराने कर्मचारी मान करके अगर पेंशन देते हैं तो सारा कार्य सही तरीके से संचालित हो सकेगा, क्योंकि ये पुराने कर्मचारी ही है। हमकी घोषणाएं की और आदेश भी निकाल दिए हैं, लेकिन हम जैसे कुछ गिने चुने 3800 लोग तो रिटायर हो चुके हैं और लगभग 4000 लोग सेवा में है, उनके लिए ओल्ड पेंशन का परिलाभ दिया जाए ये हमारी मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है। और दूसरी बात ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ चुका है उसकी परिणति में जाकर वो जो वाद अभी भी चालू रखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसको वापस लेकर और हमें इस पुरानी पेंशन को कंप्लायंस करने का अनुग्रहित करें। ये हमारी मुख्य दो ही बातें हैं, एक तो जो सुप्रीम कोर्ट का केस है उसको पुनर्विचार करके वापस ले लें और हमें ओल्ड पेंशन का परिलाभ दिया जाए। नियुक्ति तिथि से ये जरूरी है क्योंकि नए 10 साल हो गए, वो लोगों को अभी आंशिक पेंशन तो शुरू कर दी गई है लेकिन उस अनुपात में नहीं मिल रही है जो उनको मिलनी चाहिए, जिसके वो हकदार हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी 2018 को अपने निर्णय में ये कहा गया था कि ये 1996 की पेंशन के हकदार हैं और इनको वो पुरानी पेंशन का परिलाभ दिया जाना चाहिए, जबकि हमें सारे ACP और सिलेक्शन ग्रेड 6 पे कमीशन 7 पे कमीशन सारे परिलाभ दे दिए गए, लेकिन इस एक मुख्य जो हमारा आर्थिक शोषण है उससे हम अभी बाहर नहीं निकल पाए हैं। इस आर्थिक परेशानी से हमें केवल और केवल मुख्यमंत्री जी बाहर निकाल सकते हैं और वो हमें पुरानी पेंशन का परिलाभ दे सकते हैं। धन्यवाद। राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ, राजस्थान प्रदेश संरक्षक एवं संभाग प्रभारी, आप सब पधारे हुए मीडिया कर्मियों का सादर अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने हमेशा हमारे संघर्ष में पूर्ण सहयोग दिया है और आपके सहयोग से ही हम लोग जो प्रबंधन का उत्पीड़न था, जो हमारा शोषण था, उससे मुक्त होकर सरकारी सेवा में चले गए। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब का भी बहुत बड़ा उनकी संवेदनशीलता थी, लेकिन आज हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का परिलाभ देने के लिए घोषणा कर दी है, हम कुछ गिने चुने कर्मचारी जो 2011 में राजस्थानी विद्यालय और महाविद्यालय में समायोजित हुए थे वो इस ओल्ड पेंशन के परिलाभ से वंचित है। हालांकि हमें पूर्व में सारे परिलाभ दिए गए जो हमारी नियुक्ति तिथि से दिए गए, लेकिन इसमें हमें NPS तक ही सीमित रखा गया। हमने इसके लिए न्यायपालिका की शरण ली
विवश होकर, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने जो राजस्थान के सभी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें नमस्ते राजस्थान न्यूज। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान।